सो गाइस फाइनली सीजन 2 रीलोड का वॉर्ज़ोन मोबाइल में अपडेट आ गया है एंड्रॉइड एंड आईओएस दोनों के ऊपर। पर अगर आपको अब तक आईओएस के ऊपर ये अपडेट शो नहीं हो रहा तो आप एक दिन वेट कर सकते हैं, क्योंकि वॉर्ज़ोन वाले ने बात बोल दी कि आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आपको हर एक डिवाइस में वॉर्ज़ोन का ये जो लेटेस्ट अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर एंड्रॉइड पे अपडेट का साइज मैं आपको बताऊं तो वो रहने वाला है 2.4 GB के आसपास, एंड डिपेंड करता है आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि कुछ डिवाइस में ये अपडेट का साइज थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है, कुछ में थोड़ा कम दिखा रहा है। एंड अब मैं आपको इसके पैच नोट्स के बारे में बताऊं तो इसके पैच नोट्स आप देख ही सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, एंड इसमें बहुत सारी चीजें में चेंज होती हुई दिखी है। बट जो मेजर चेंज इस अपडेट के साथ हुआ है वो हुआ है ग्राफिक सेटिंग के अंदर। फाइनली ग्राफिक सेटिंग को अनलॉक कर दिया है इस अपडेट के अंदर, एंड इसमें और इसके अनलॉक होने के बाद हमें ग्राफिक में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल गए, जैसे कि मिनिमम, लो, मीडियम, हाई एंड पीक। और जो पीक ग्राफिक बहुत ज्यादा ऑसम, बट उस ग्राफिक को अनलॉक करने के लिए आपके डिवाइस के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए। एंड FPS के ऑप्शन को भी यहाँ पे अनलॉक कर दिया है, और जो मैक्स FPS में देखने को मिला है वो है 60 पर। इसमें एक और सेटिंग उन्होंने ऐड कर रखी है जो है अनकैप, एंड अनकैप करने के बाद अगर आपके डिवाइस के अंदर इतनी पावर है कि वो आपके गेम को 120 FPS पे परफॉर्म कर सकता है तो आपकी जो FPS है ऑटोमेटिकली 120 शो हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी सेटिंग है। और हो सकता है जब हाई एंड डिवाइसेस में ये अपडेट ठीक है तो वहाँ पे हमें और भी ज्यादा FPS देखने को मिल जाएगा, यानी कि 140 के आसपास FPS भी देखने को मिल सकती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। एंड हाई एंड ग्राफिक की वजह से गेम को खेलने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। और कुछ नए वेपन्स भी इसमें ऐड किए हैं, और मैप के अंदर भी थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हुए हैं, बट अभी भी थोड़ी ग्राफिक्स जो है ब्लरी देखने को मिल रही है। मे भी हो सकता है कि ग्लोबल लॉन्च के टाइम पे ये और ज्यादा स्मूथ एंड शार्प देखने को मिले। और इसी साथ वॉर्ज़ोन ने ये भी चीज रिवील कर दी कि ये जो अपडेट है वो फाइनल अपडेट नहीं होने वाला, जो फाइनल अपडेट है वो ग्लोबल लॉन्च के टाइम पे या फिर उससे एक दो दिन पहले हमें देखने को मिलेगा, जिससे ये चीज रिवील होती है कि ग्लोबल लॉन्च से पहले हमें एक अपडेट और देखने को मिलने वाला है गेम में। और ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि एक और अपडेट आएगा तो और ज्यादा ग्राफिक बम्प हो सकती है, एंड उस टाइम पे ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको चेंज करके शायद और भी ज्यादा कम कर दे, क्योंकि फिलहाल जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो उतनी है जो इन्होंने रिलीज की थी अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो बस यही कुछ डिटेल्स मैंने आपको देनी थी अपडेट के बारे में जो अब तक मुझे पता चली, बट हो सकता है कि आगे और भी ज्यादा डिटेल्स करके सामने आए जब कुछ माइनर पैचेस हमें देखने को मिले। एंड आगे आपको एक छोटा सा गेम प्ले देखने को मिल रहा होगा वॉर्ज़ोन मोबाइल की लेटेस्ट अपडेट का, तो आप उसे पूरा देख के ही जाना। एंड इसी साथ मैं वीडियो को यहीं रैप अप करूंगा, और अगर आप चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना।